वर्तमान समय में उच्च न्यायालय में कितने जज की पोस्ट है और कितने पद खाली हैं, और उनके नहीं रहने से किस तरह से न्याय में देरियां हो रही हैं, क्या प्रभावित हो रहा है मामला? इलाहाबाद हाई कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ 160 जजों की है। अब इस समय जो है एपी शाही साहब के ट्रांसफ़र होने के बाद अब वो 84-85 जजों की स्ट्रेंथ रह जाएगी रनिंग। कुछ लोग और भी उसमें रिटायर होंगे, लेकिन 17 जजों की या उससे कुछ अधिक संख्या में जजों की लिस्ट भेजी गई है और करीब 8-9 महीने हो गया। जजों के अपॉइंटमेंट में कुछ टाइम इसलिए लगता है कि उसमें बहुत सारी कंप्लेंट लोगों के खिलाफ रहती है। अभी 2 जुलाई को अश्विनी उपाध्याय वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने इसी मुद्दे का पीआईएल उन्होंने फाइल किया था कि ये जो हाई कोर्ट जजों के वैकेंसी के नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किया जाए। तो तीनों जजों ने अपने यूनानिमस राय से ये पाया कि हाई कोर्ट के जज जो हैं वो स्टेप ले रहे हैं, प्रक्रिया रखे हैं, तो ऐसी सूरत में हम निर्देश देना उचित नहीं मानते। तो उसको अभी 2 जुलाई को उन्होंने ड्राप कर दिया और पीआईएल को डिसमिस कर दिया, कहा नहीं पेंडेंसी माना टेंडेंसी जाएगा। माने। लेकिन कुछ वर्षों से जो पुराने मुकदमे होते हैं उनको इन्फेक्चुअस के रूप में हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाता है। ये मेरे समझ से बाहर है कि आप क्यों इन्फेक्चुअस कर रहे हैं। ठीक है, उस पर निर्णय होना निर्णय चाहिए होना चाहिए राइट आर रॉन्ग। तुरंत। अब ये पेंडेंसी इसलिए भी बढ़ जाती है कि मान लीजिए समय से कोई ला पॉइंट अगर डिसाइड कर दे हाई कोर्ट, तो उससे संबंधित 5,000-10,000 जो है मुकदमा सिमिलर केसेज आ करके पेंडेंसी बढ़ा देते हैं, वो नौबत नहीं आती। के कारण बहुत सारे तो ऐसे मुकदमे हैं जो इन्फेक्चुअस हो जाते हैं 10-15 वर्ष बाद। तो ये न्यायपालिका की कमी मेरे समझ से है। रिस्पांसिबल सीनियर एडवोकेट की हैसियत से मैं कहूँगा कि कोई आदमी अपने बड़े उत्साह के साथ और संवैधानिक अधिकार के निर्णय के लिए आया था, और आप उसको इन्फेक्चुअस कर रहे हैं, तो ये संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ एक आचरण होगा। तो देरी तो है। अब ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुडिशियल एटमॉस्फियर में बहुत गिरावट आई है। हम लोगों को आज से 10 वर्ष पहले ज़्यादा एरियर नहीं था और 5-7-10 वर्ष में मुकदमा निर्णित हो जाता था, लेकिन इधर पेंडेंसी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पेंडेंसी के कारण भी हैं कि अथॉरिटीज भी ईमानदारी से आर्डर नहीं पास करते हैं। इसके लिए सबको सहयोग और बहुत इफेक्टिव और स्पीडी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट इसके लिए क्या कर रही है अभी तक? हाई कोर्ट का ऐसा है कि जजों की नियुक्ति जो है पहले तो चीफ जस्टिस के माध्यम से ही स्पॉन्सर की जाती है, तो अधिक से लोगों को मालूम है कि जज की रिटायर जो जज हैं कम से कम उनकी तो डेट ऑफ रिटायरमेंट मालूम है ही है। तो जो लोग कम से कम रिटायर हो रहे हैं उनके 2-3 महीना पहले ही जजेस के नाम को स्पॉन्सर कर रिक्रूटमेंट, देना हाँ रिक्रूटमेंट कर चाहिए देना चाहिए, ठीक ताकि उनके रिटायरमेंट तक वो तब लोग तक आ आते जाए हैं। कम से कम।